गूगल दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक है एंड इसे ज्वाइन करने का सपना बहुत सारे इंजीनियर्स देखते हैं। क्या इसका रीजन सिर्फ गूगल की हाई पेइंग सैलरीज हैं या फिर अंदर बहुत सारे और पर्क्स भी छुपे हुए हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग गूगल का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गूगल फ्रेशर्स को किस किस प्रोफाइल के लिए हायर करता है एंड सैलरीज क्या होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एम्प्लॉई एक बार ज्वाइन कर ले तो उसके बाद उसकी करियर ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, कंपनी का कल्चर कैसा है एंड बहुत सारे जो छुपे हुए पर्क्स हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि फ्री फूड, नैप पॉड्स और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें। एंड हम लोग साथ में ये भी देखेंगे कि गूगल के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने गूगल को रेटिंग्स क्या दी हैं। फिर थर्ड सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं गूगल में, ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं, किस किस लोकेशन पर यू कैन ज्वाइन गूगल। देन वी विल टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन एंटर गूगल, इसका प्रोसेस क्या रहता है, आपको कितनी कोडिंग आनी चाहिए एंड एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल फ्रेशर्स को दो प्रोफाइल्स के लिए हायर करता है, सॉफ्टवेयर प्रोफाइल एंड हार्डवेयर प्रोफाइल। सॉफ्टवेयर प्रोफाइल में जो डेजिग्नेशन होती है दैट इज SWE, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड यहाँ पर ज्वाइनिंग पोजिशन इज L3। ठीक है, L3 को यहाँ पर SWE2 भी बोला जाता है, बाकी कंपनीज के ये SDE1 के बराबर प्रोफाइल होती है एंड द ऑफर इज 35 LPA। इसका जो ब्रेकडाउन है वो भी आपको बता देता हूँ। द बेस सैलरी इज 19.5 लैक्स, ज्वाइनिंग बोनस इज 1.5 लैक्स, स्टॉक्स मिल जाते हैं आपको लगभग 27 लैक्स के बट वेस्टेड ओवर 4 ईयर्स। फर्स्ट ईयर में 33% यानी कि 8.9 लैक्स वेस्ट हो जाएंगे, सेकेंड ईयर में भी 33% यानी कि 8.9 लैक वेस्ट हो जाएंगे, थर्ड ईयर में लगभग 22% दैट इज 6 लैक वेस्ट हो जाएंगे एंड फोर्थ ईयर में लगभग 12% दैट इज 3.2 लाख आपके वेस्ट हो जाएंगे। परफॉर्मेंस बोनस इज 3.36 लैक्स, बेनिफिट्स एंड रिलोकेशन बोनस इज 1.7 लैक्स, जो टोटल कंपनसेशन है वो आपका बनता है अराउंड 35 लैक्स फॉर 1 ईयर। अब इसका जो एक ऑफर लेटर है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गूगल ऑल्सो हायर्स फॉर हार्डवेयर प्रोफाइल। हार्डवेयर प्रोफाइल में द डेजिग्नेशन इज सिलिकन इंजीनियर एंड दिस प्रोफाइल इज टारगेटेड टू ECE एंड EE स्टूडेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो सर्किटल ब्रांच होती हैं उनके स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड द कंपनसेशन इज 45 लैक्स मोर देन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। अब पैकेजेस तो जान लिए हैं, लेकिन गूगल ज्वाइन करने के बाद आपकी करियर ट्रेजेक्ट्री कैसे रहने वाली है, तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले ये कॉर्पोरेट लेडर देखिए। एज अ फ्रेशर आप गूगल ज्वाइन करेंगे एट L3 लेवल एंड आपका जो प्रमोशन है दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस। आपका प्रमोशन 2 साल में भी हो सकता है और 3 साल में भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू परफॉर्म इन द टीम। रही बात हाइक्स की, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कंपनीज परफॉर्मेंस एंड योर परफॉर्मेंस। तो जो हाइक है यहाँ पर 10-15% की एनुअल हाइक मिल जाती है इररिस्पेक्टिव कि आपका प्रमोशन हो या ना हो, बट पिछले 1-2 साल में ये जो हाइक है ये भी काफ़ी कम मिल रही है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशंस एज वेल। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पे, गूगल के पर्क्स। तो गूगल में यार आपको बहुत सारे पर्क्स मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑफिस की। तो जो ऑफिस है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अमेजिंग होता है, काम तो आप करते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ रिलैक्स करने के लिए आपको रूम्स मिल जाते हैं डिफरेंट, जैसे कि म्यूजिक रूम जहाँ पर आप जाके इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं, गेम्स रूम जहाँ पर आप जाके गेम्स खेल सकते हैं जैसे कि TT, कैरम, चेस। यू कैन ऑल्सो डांस, यहाँ पर आपकी डांसिंग के लिए अलग रूम्स बने होते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक नैप्स, काम के बीच में थक जाओ तो नैप पॉड्स भी होते हैं। तो भाई बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा कल्चर मेंटेन करके रखा हुआ है गूगल ने। दे वांट कि उनके एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो। अगर हम बात करें गूगल के फूड की, तो भाई साहब आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, लंच मिल जाएगा, डिनर मिल जाएगा, साथ में बीच में स्नैक्स का भी टाइम होता है, बहुत वैरायटी का खाना होता है यहाँ पर, वेज, नॉन वेज, जो भी आपकी पसंद हो, एंड डेली इसका जो मेन्यू है वो चेंज होता रहता है। और इतना खाना खाने के बाद भी अगर आपको भूख लग जाए ना, तो आपके पास माइक्रो किचन भी होता है हर फ्लोर पे। मतलब गूगल वॉन्ट्स कि उनके हर एक एम्प्लॉय के विदिन 150 फीट में खाना अवेलेबल हो, बहुत सारा खाना अवेलेबल होता है। जो माइक्रो किचन्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होंगे, फ्रूट्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारे चिप्स, जंक फूड, ड्रिंक्स, सब कुछ अवेलेबल होगा। दे ऑल्सो कीप अ वेइंग मशीन, साइड में एक वेइंग मशीन भी रखते हैं कि भाई अपना वेट भी चेक करते रहना। गूगल में एक कहावत भी है, जो गूगल ज्वाइन करता है ना उसका स्टार्टिंग के कुछ महीने में 15 पाउंड वेट गेन हो जाता है, इसको कहते हैं गूगल 15। तो ये बहुत ही एक सही कहावत है क्योंकि मेरा भी जो वेट है वो बढ़ा था गूगल में ज्वाइन करने के बाद। बट इसके साथ साथ गूगल ऑल्सो प्रोवाइड्स यू फैसिलिटीज़ लाइक जिम, योर पर्सनल ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं गूगल में जिससे आप अपनी हेल्थ एंड फिटनेस का ध्यान रख पाएँ। सो इट्स अ ओवरऑल पैकेज, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि भाई आप इन सारी फैसिलिटीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हो। अगर बात करें गैजेट्स की, तो गूगल गिव्स यू द बेस्ट इन क्लास गैजेट्स। आपको जो लैपटॉप चाहिए आपको मिल जाएगा, आपको जो मॉनिटर चाहिए आपको मिल जाएगा, यू गेट मैकेनिकल कीबोर्ड्स एज वेल इफ यू वॉन्ट, माउस भी मिल जाता है, कीबोर्ड्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट गूगल। इट्स जस्ट दैट दे वॉन्ट यू टू वर्क विद द बेस्ट गैजेट्स, विद द बेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल।
इसके साथ साथ छोटी मोटी और चीज़ें, जैसे कि कोई भी फेस्ट होगा, कोई भी फेस्टिवल होगा, गूगल का कोई कल्चरल फेस्ट होगा, उसमें आपको गुडीज़ भी बहुत सारी मिल जाती हैं। मतलब मैंने तो बहुत सारी अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ बनाई भी हैं गुडीज़ की। सो यू गेट टी शर्ट्स, यू गेट स्वैग्स, आपको गूगल जो न्यूक्लियर हैट होती है वो मिलती है, बहुत सारे गैजेट्स भी एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए मिलते रहते हैं। एंड एम्प्लॉयज़ आर एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट दीज गुडीज़। मतलब इतने सारे पर्क्स हैं, बट उसके बावजूद भी ये जो गुडीज़ है ना, इसकी एक अलग ही खुशी रहती है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो डू गिव इट अ लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। अब जो लोग हमारे DSA के बैच का वेट कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है। DSA 4.0 इज़ लाइव, यू कैन गो एंड रजिस्टर इन द बैच। क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of January एंड इट विल कवर एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर एनी DSA इंटरव्यू। आपका सब कुछ यहाँ पर कवर होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट मंथ आपका बेसिक्स होता है, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सिखाया जाता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ या जावा, दोनों ही ऑप्शंस हैं, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको बेसिक लॉजिक बिल्डिंग सिखाई जाती है। सेकेंड मंथ से हमारा DSA स्टार्ट हो जाता है। 6 महीने का कोर्स है, पहला महीना बेसिक्स का, 5 महीने DSA का। जो लास्ट मंथ है वो आपका बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट्स के लिए होता है, जैसे कि आपका सेगमेंट ट्री, फैनविक ट्री और कई सारे एडवांस टॉपिक्स, जो कि इंटरव्यूज़ में इतना नहीं पूछे जाते बट लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट उनको पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप लोग सिर्फ इंटरव्यू लाइक DSA भी पढ़ सकते हो या फिर एंड तक भी पढ़ सकते हो। बाकी फीडबैक्स हमारे काफ़ी अच्छे आए हुए हैं पास बैचेस के, आपको जाके देखने हैं तो वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल्स हैं, यू कैन रीड आउट दोस टेस्टिमोनियल्स। इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर रहने वाले हैं सक्षम, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माइक्रोसॉफ्ट में, एंड ऑफ कोर्स मी। तो बहुत ही मज़ा आएगा कोर्स में, क्लास में हम लोग फन भी करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड होमवर्क में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जिनके सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो एडिटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, आपको रिविजन की लिस्ट मिल जाएगी, मेंटरशिप सेशंस मिल जाएंगे। सो दिस गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। सारी डिटेल तो यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वेबसाइट पे है, तो जा करके चेक करिए। सक्षम की क्लासेस, मेरी क्लासेस का डेमो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड वॉच। एंड अगर आप DSA सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली ट्राई आवर कोर्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो बाकी सारी कंपनीज में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड केयर फैसिलिटी, ये सब कुछ भी गूगल में अवेलेबल है। ठीक है, बात करते हैं कि इतने सारे पर्क्स होने के बाद गूगल के एम्प्लॉइज ने गूगल को रेटिंग्स क्या दी है आउट ऑफ 5, एंड दिस डेटा इज अकॉर्डिंग टू द एम्बिशन बॉक्स। जॉब सिक्योरिटी में गूगल को मिली है 4.2 out of 5, वर्क लाइफ बैलेंस में 4.4 out of 5, कंपनीज कल्चर में 4.4 out of 5, स्किल्स एंड ग्रोथ में 4.3 out of 5, सैलरी एंड प्रमोशंस में 4.3 out of 5। तो यार ये देख के तो लगता है कि गूगल के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा खुश हैं गूगल से। बाकी और चीज़ें जानने की मिलेंगी इस वीडियो में। अगर आप यहाँ तक पहुँचे गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब बात करते हैं कि गूगल कहाँ कहाँ फैला हुआ है, गूगल के कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो भाई आप लोगों ने गूगल सर्च तो यूज़ किया ही होगा, बट अपार्ट फ्रॉम गूगल सर्च आपने एंड्रॉयड फ़ोन्स भी यूज़ करे होंगे। एंड्रॉयड इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। 90% से भी ज़्यादा ग्लोबल इंटरनेट सर्चेस को हैंडल करने से लेकर के मैनेजिंग ओवर 2 billion एक्टिव एंड्रॉयड डिवाइसेस, गूगल ने अच्छा खासा मार्केट कवर किया हुआ है। फ्रॉम GCP जो बिजनेसेस को क्लाउड इंफ्रा प्रोवाइड करता है, टू वेमो गूगल का सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट, एंड पिक्सल फोन्स गूगल के खुद के अपने फोन्स भी हैं। गूगल ने हर मार्केट में अपना कदम रखा हुआ है, वेदर इट इज़ क्रोम या गूगल मैप्स या गूगल वर्क स्पेस, गूगल एड्स। इनफैक्ट जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, यूट्यूब, दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ गूगल। तो गूगल भाई हर जगह पे अवेलेबल है। गूगल के इन सारी डेवलपमेंट्स के पीछे गूगल के 1,90,000 एम्प्लॉयज़ का हाथ है, एंड दीज पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट डाइवर्सिटीज़। गूगल बेसिकली फोकस अ लॉट ऑन डाइवर्सिफिकेशन, ताकि सबके आइडियाज़ गूगल के जो प्रोडक्ट हैं उसमें इंक्लूड हो पाएँ। गूगल हैज़ ऑफिसेज इन मोर देन 50 countries, एंड अगर इंडिया की बात करें तो हैदराबाद, पुणे, मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर, यहाँ पर इनके ऑफिस अवेलेबल हैं, एंड हेडक्वार्टर्स आर एट सिलिकन वैली, कैलिफोर्निया। अब क्योंकि गूगल 50 डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है, तो अगर आप चाहो तो इंडिया में ज्वाइन करके 1-2 साल बाद यू कैन इवन अप्लाई फॉर सम अदर कंट्री। आप लोग बाहर भी शिफ्ट हो सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट। अब बात करें गूगल की हायरिंग की, तो गूगल इज़ वेरी सिलेक्टिव वाइल हायरिंग कैंडिडेट्स। ऑल्सो समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिचुएशंस। 2022 में जब थोड़ा सा मार्केट में स्लो डाउन आया था, तो गूगल वॉज हायरिंग वेरी वेल। 2023 में जब सिचुएशन थोड़ी सी और ख़राब हुई, तो गूगल के जो हायरिंग नंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ड्रॉप हुए। बट 2024 में अगेन गूगल इज़ कमिंग अप विथ अ लॉट ऑफ हायरिंग। सो यहाँ पर बहुत सारी हायरिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स भी गूगल में रिसेंटली हायर हुए हों। रिक्रूटर्स आर ऑल्सो रीचिंग आउट टू पीपल नाउ। तो थोड़ा बहुत मार्केट सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। बाकी क्या क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहता है, वो हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहना आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं कि गूगल हायर कैसे करता है, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है। तो द फर्स्ट
एंड द बेसिक ऑप्शन इज कैंपस हायरिंग. आई नो बहुत सारे लोग इसको नहीं पसंद करने वाले हैं बिकॉज बहुत सारे कैंपसेज में गूगल विजिट नहीं करता होगा. अगर आपके कैंपस में भी गूगल विजिट नहीं करता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो IITs में, NITs में, IIITs में, DTU, NSIT जैसे इंस्टीट्यूट में गूगल विजिट करता है एंड वहाँ से कैंपस हायरिंग होती है. एंड बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहता है. सबसे पहले आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है जिसमें आपको अच्छी खासी CGPA होनी चाहिए. वंस इट इज शॉर्टलिस्टेड, द नेक्स्ट राउंड इज द ऑनलाइन राउंड जिसमें आपके टफ क्वेश्चन आते हैं. एक्चुअली टफ क्वेश्चन आते हैं इसमें. यू कैन से कि ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सेगमेंट ट्री तक पूछ लिया जाता है यहाँ पर. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग, उनके लिए जो टेस्ट है काफ़ी ईजी होता है. बाकी अगर आपको जानना है ना कि OA में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं learnyard.com. वहाँ पर आपको ना OA शीट मिल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज OA में पूछती हैं. ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एक बार अगर आपका OA राउंड क्लियर हो जाता है देन आपके इंटरव्यूज होते हैं. अब इंटरव्यूज में ना बेसिकली दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, DSA जो कि आपका मान लीजिए कि 80-90% रहता है एंड 10-20% आपका रहता है गूगलीनेस. अब गूगलीनेस क्या होता है वो पहले बता देता हूँ, DSA आपको ऑलरेडी पता होगा. तो गूगलीनेस इज योर बिहेवियर कि आप कंपनी के कल्चर में फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. आपको डिफरेंट सिचुएशंस दी जाएंगी, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे थे अपने फ्रेंड के साथ, वो बंदा जो आपका फ्रेंड है वो ड्रॉप हो गया, मतलब काइंड ऑफ ही बैकड ऑफ फ्रॉम द प्रोजेक्ट, तो आप उस केस में क्या करेंगे. दिस इज वन सच सिचुएशन. आपको कंपनी की फ्यूचर सिचुएशन भी दे दी जाएगी, भाई आपका मैनेजर है वो आपसे अनएथिकल चीज़ें करने के लिए बोल रहा था, आप कैसे टैकल करेंगे. एंड ट्रस्ट मी, इस राउंड के बेसिस पे ना लोग एक्चुअली रिजेक्ट होते हैं. मैंने देखा है, मैंने सुना भी है ये वाली चीज़ कि भाई गूगली ने इस राउंड में आउट हो गया, DSA में सब क्लियर हो गया था. ठीक है, अब DSA राउंड में क्या होता है, बेसिक DSA क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दीज क्वेश्चन आर कंपेरेटिवली ईजियर देन द OA क्वेश्चन. यहाँ से थोड़े से ईजी होते हैं. मोस्टली जो फोकस है वो आपका ग्राफ, DP जैसे कॉन्सेप्ट्स पे रहता है. सेगमेंट ट्री तक हार्डली पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते यूजुअली. आप ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लीजिए, आप ट्रीज के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लीजिए, बाइनरी सर्च, बैक ट्रैकिंग, ये सारे टॉपिक्स अगर आप कर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये जो राउंड है ये क्लियर हो जाएगा. बट इसमें एक चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी वो ये कि आपको कोई भी कोड एडिटर नहीं दिया जाएगा. यू विल हैव टू राइट द कोड ऑन गूगल डॉक्स. आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, आप क्लीन कोड लिखिए वहाँ पर. आप वहाँ पर बेसिकली सिंटेक्स देख करके वेरिएबल की नेमिंग जो होती है उसको अच्छे से लिखिए, कोड को अच्छे से समझाइए, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस अच्छे से करिए. ऑल दीज थिंग्स आर काउंटेड वाइल द इंटरव्यूअर इज इवेलुएटिंग यू. ठीक है, अब ड्यूरेशन क्या होती है, तो मेरे टाइम पे तो द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू वाज 45 मिनट्स. 45 मिनट्स में उन्होंने मेरे से एक हार्ड क्वेश्चन पूछा या फिर दो मीडियम क्वेश्चन पूछे एंड मेरे 3-4 DSA राउंड हुए थे. उसके बाद एक गूगलीनेस राउंड हुआ था. बट समटाइम्स मिक्स भी हो जाता है कि हर एक राउंड में ना आपसे कुछ गूगलीनेस के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे. 60 मिनट का राउंड कर दिया जाएगा जहाँ पर 45 मिनट्स विल बी फॉर योर DSA एंड 15 मिनट्स विल बी फॉर गूगलीनेस. इस तरीके से 3 राउंड हो जाएंगे, DSA गूगलीनेस, DSA गूगलीनेस, DSA गूगलीनेस. ठीक है, तो ब्रॉडली यही दो चीज़ें रहती हैं. नेक्स्ट आपका आता है ऑफ कैंपस राउंड्स. अब ये सभी का फेवरेट है बिकॉज इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू हैव अ वेरी गुड कोडिंग प्रोफाइल. अगर आपको अपने रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना है तो कोड फोर्सेज, कोड शेफ जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी रैंकिंग थोड़ी सी हाई कर लो, वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. इट विल बी ईजी फॉर यू टू इवन गेट रेफरल्स. एंड रेफरल्स से अगर आप अप्लाई करेंगे ना ऑफ कैंपस तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अगर आपने ICPC में पार्टिसिपेट किया हुआ है योर चांसेस विल गेट इंक्रीज्ड. ओके, सो ऑफ कैंपस में भी सेम ही क्राइटेरिया फॉलो होता है. वंस योर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड, उसके बाद आपको फिर ऑनलाइन टेस्ट आएगा. ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका सेम तरीके का इंटरव्यू प्रोसेस होगा. एंड यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, किसी कॉलेज से हो आप, किसी कितना भी CGPA आया हो आपका, इट डजंट मैटर अ लॉट हियर. बट कॉम्पिटिशन इज ऑब्वियसली हाई इन द ऑफ कैंपस बिकॉज बहुत सारे लोग कम्पीट कर रहे होते हैं. एंड ट्रस्ट मी, Tier 3 के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो कि मास्टर कैंडिडेट मास्टर बने पड़े हैं, भाई साहब वो बहुत तगड़ा कंपटीशन देते हैं. अब जो Tier 1 कॉलेजेस है ना उसमें क्या होता है, उसमें तो गूगल खुद जा रहा है लेने के लिए. यहाँ पर हर जगह से कंपटीशन आता है एंड Tier 3 के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअल में बहुत अच्छे कोडर्स भी होते हैं. सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टेप इंटर्नशिप. अब स्टेप इंटर्नशिप सभी के लिए नहीं होती है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी डिटेल स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको, आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंटर्नशिप के लिए. सो गूगल इंटर्नशिप के लिए कैंपस भी विजिट करता है एंड यू कैन इवन अप्लाई ऑफ कैंपस फॉर द इंटर्नशिप. अगर आप इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हैं देन देर आर चांसेस कि आपको PPO मिल जाएगा, यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाएगा जो कि फुल टाइम ऑफर होता है आफ्टर डूइंग दैट 2 मंथ्स इंटर्नशिप. नेक्स्ट आता है आपका गूगल के कॉम्पिटिशन्स. तो गूगल बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी कंडक्ट कराया करता था पहले, जैसे कि आपका गूगल कोड जैम. तो ये कॉम्पिटिशन्स अभी तो बंद हो गए हैं, पहले ये चलते थे, लेकिन देर इज स्टिल वन हैकाथॉन, दैट इज गर्ल्स हैकाथॉन. तो वो अभी भी कंडक्ट होती है जिसके थ्रू दे रिक्रूट गर्ल्स. ओके, अगेन अगर आपको गूगल के OA क्वेश्चंस का रेफरेंस चाहिए आप लोग learnyard.com पर जाकर के OA शीट चेकआउट कर सकते हैं. अब बात करते हैं गूगल के एग्जिट प्रोसेस की.
सो गूगल का एग्जिट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. आपको अपने मैनेजर से बात करनी होती है एंड यू हैव टू टेल देम दैट यू हैव गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी और यू वांट टू शिफ्ट समवेयर एल्स. सो बेसिकली थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है, दे आस्क यू टू राइट एन ईमेल एंड एक महीने का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना होता है, अपना सारा काम जो है वो हैंड ओवर करना होता है एंड यू आर गुड टू गो. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर कंपनी की तरह जो वेस्टिंग होती है ना, एक साल की वेस्टिंग होती है. अगर आप एक साल से पहले छोड़ देते हो तो ज्वाइनिंग बोनस वापस देना पड़ेगा, जो वेस्टिंग आपकी स्टॉक्स की नहीं होगी वो आपको नहीं मिलने वाली है. तो जस्ट मेक श्योर ये सारी चीज़ आपको पता हो. अगर नहीं पता है ना, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है इसके बारे में. मैंने एक कंपनी 11 महीने में छोड़ी थी, ना मुझे ज्वाइनिंग बोनस मिला था, मिल गया था मतलब मुझे वापस करना पड़ा था, एंड उसके जो स्टॉक्स थे मेरे वेस्ट नहीं हुए थे. बट गूगल मैंने एक साल के बाद छोड़ी थी तो मुझे वेस्टेड स्टॉक्स भी मेरे मिल गए थे एंड ज्वाइनिंग बोनस भी मुझे मिल गया था. तो वो वीडियो आप लोग देख लेना अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए. एक बहुत अच्छी चीज़ गूगल में ये भी है कि वंस अ गूगलर इज ऑलवेज अ गूगलर. मतलब आपने गूगल एक बार छोड़ दिया, ऑब्वियसली अच्छे टर्म्स पे, अपने मैनेजर के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए आपके, अच्छा काम किया हो आपने, देन यू कैन अगेन ज्वाइन बैक गूगल. ठीक है, तो मुझे भी कॉल आया था जब मैंने रिजाइन किया था. विद इन 2 मंथ्स आई गॉट अ कॉल कि भाई हम दोबारा हायर कर रहे हैं एंड यू कैन ज्वाइन विदाउट एनी इंटरव्यू एट द सेम रोल एंड सेम पोजिशन. ठीक है, आई वॉज एन L3 बैक देन. तो अगर मैं ज्वाइन करता बिना इंटरव्यू के तो मैं L3 पे ही ज्वाइन करता एज एन SDE. ओके, अगर आपको अपना रोल चेंज करना है या फिर आपको नेक्स्ट लेवल चाहिए, इन दैट केस यू विल हैव टू गिव द इंटरव्यू. ये बहुत अच्छी चीज़ है गूगल की. एंड ऐसी ये सेम चीज़ बहुत सारी और कंपनीज में भी होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में एंड आई गेस फ्लिपकार्ट में भी होती है. ठीक है गाइज, तो आई होप यू गॉट द ओवरऑल आइडिया ऑफ गूगल. अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप. इसमें बहुत सारी रिसर्च लगती है, बहुत सारी एडिटिंग लगती है, मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में. और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नेक्स्ट आपको किस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए. हमने TCS का डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है, उसका जो लिंक है वो आई बटन में आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.